हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। पिक्चर को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि एक और मोदक की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, पर यहाँ पर एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आज हम बनाने वाले हैं। बस बातें बहुत हो गई, अब चलिए देख लेते हैं वो इनोवेटिव आइडिया क्या है। तो ये सारी चीजें देख के आपको लग रहा होगा ना कि आज मैंने पान की दुकान लगाई है, पर नहीं, आज मैं बनाने वाली हूँ पान के पत्तों से मोदक। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है रेडीमेड मिल्क मेड, और यहाँ लिया है मैंने 4 चम्मच दूध जो मुझे लगेगा, और यहाँ लिया है फ्रेश प्योर घी और कुछ फूड कलर। अब बता दूँ, इसका मेन इंग्रेडिएंट वो है यहाँ पर गुलकंद, जो कि पान में जाने से उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देता है। इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स, यहाँ है डेसिकेटेड कोकोनट, और ये है मिल्क पाउडर। और आपको इसका सारा मेजरमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। पहले हम पान के पत्तों के डंठल को अलग कर देंगे छोटे काट कर, और इसे मिक्सी जार में हम दरदरा पीस लेंगे। इसके लिए आप हाथ से तोड़ लें या कैंची से काट लें, और 2 चम्मच दूध डालकर इसे या तो आप पेस्ट बना लें। मैंने यहाँ पे दरदरा ही रखा है, क्योंकि जब ये मुँह में आता है ना, ये पीसेस बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए देखिए इस तरह से मैंने इतना रखा है। और अब हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो गुलकंद लिया है उसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, काजू, बादाम और पिस्ता। इसे भी मैं मिक्सी में बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाई, मैंने यहाँ पे कूट लिया, और इसे अब इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसे हिला देंगे, और फिर यहाँ ऐड किया है दूध पाउडर 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, और यहाँ पर बिल्कुल पान जैसा स्वाद देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ड्राई कोकोनट पाउडर। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं, और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, और डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और उसे थोड़ा हल्के आंच में हम भून लेंगे। आंच बिल्कुल हमारा कम ही रहेगा, बिल्कुल लो फ्लेम में करना है ये काम। अब थोड़ा सा इसमें मिल्क दूध डाल देंगे। मैंने वैसे 4 टेबलस्पून मिल्क लिया हुआ था, उसमें से मैंने आधा ही डाला है, और बाकी जब ये सोक कर लेगा उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम ये पूरा डाल देंगे। और साथ ही मैं ऐड करती हूँ मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर, जो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून से ज़्यादा थोड़ा सा लिया था। इसे भी अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मिल्क मेड। देखिए मैंने यहाँ पर शुगर थोड़ा भी यूज़ नहीं किया है, आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से अगर चाहें तो मिल्क मेड के साथ शुगर भी डाल सकते हैं, मगर मुझे लगता है यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर और मिल्क मेड यूज़ किया है, वो काफ़ी स्वीट होता है। अब ऐड कर देते हैं यहाँ पर हम पान के पत्ते, जिसे हमने दरदरा पीस कर रखा हुआ था। अच्छी बाइंडिंग आ गई है कोकोनट में, हम देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे फूड कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि पान के पत्ते का जो कलर है वो मेंटेन रहे। आप चाहें तो न भी मिला सकते हैं। तो ये अच्छे से बाइंड हो गया है, और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी डालकर हाथों से अच्छे से दबाकर हम इसे गूंथ कर रख देंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तब तक हम जो फिलिंग बनाए थे उसका हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। हमें जितना मोदक बनाना है उतना ही। मैंने यहाँ पे 11 मोदक के लिए तो लिया था, पर मुझे लग रहा है कि पता नहीं उतना हो पाएगा या नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो ये ठंडा हो गया है, यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है मोदक बनाने के लिए, और इसमें हम अच्छे से पहले घी लगाएंगे, और मोदक की जो फिलिंग, सॉरी जो डो बनाया था उसे रख के फिर अंदर हम डाल देंगे फिलिंग को, और फिर ऊपर से हम सील कर देंगे इसे, अच्छे से दबाकर इसे भर देंगे ताकि अंदर कोई भी गैप ना रहे। तो एक रेडी हो गया, और एक दूसरा मैं बना लेती हूँ। इसी तरह हम इसमें एक हॉलो बना लेंगे, और अंदर फिलिंग डालकर इसे अच्छे से सील कर देंगे ताकि ये पीछे से अच्छे से शेप में आ जाए। तो ये देखिए कितना सुंदर तैयार हो गया है। इसी तरह हम सभी मोदक को बनाकर रेडी कर लेते हैं। पर आप जितनी बार भी ऐसे मोल्ड में डाल के बनाएं उतने बार आप घी लगाना ना भूलें। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसा कई बार चिपक जाता है और मुझे बहुत ख़राब हो जाता है। और इस तरह हम सभी मोदक को बनाकर रेडी कर लेंगे। लास्ट में मेरा थोड़ा सा बच गया था जो कि मोल्ड में नहीं आ रहा था, तो मैंने हाथ से एक छोटा सा मोदक बना लिया और फोक से इसके बॉडी में निशान बना दिया, तो ये भी एक प्यारा सा मोदक तैयार हो गया। अब इसे प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो रेडी हो गए हमारे पान के मोदक, और ऊपर से थोड़ा केसर डालकर इसे और ज़्यादा अमेजिंग बना दीजिए, जो मैंने दूध में भिगो कर रखा था। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा लगेगा और गणपति जी को भोग प्रसाद देने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने काट कर भी दिखाया, इसके अंदर से दिख रहा है कितना अच्छा। तो ये रेडी हो गया हमारा पान के मोदक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।